अब आपको बताते हैं कि शेरशाह सूरी को शेर खान का लकब कैसे मिला। शेरशाह सूरी का पहला लकब शेर खान था और इसके पसे मंजर में तारीख की किताबों में एक वाकया का जिक्र है कि एक मर्तबा शेरशाह सूरी बहार के बादशाह मोहम्मद शाह, जिसका असली नाम बहादुर खान है, के साथ शिकार के लिए जंगल गए। अचानक एक शेर सामने आ गया। शेरशाह सूरी फितरी तौर पर दलेर और बहादुर और हिम्मत के पहाड़ थे। चुनाचे उन्होंने शेर का मुकाबला किया और इसकी अगली दोनों टांगे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और फिर तलवार से इसका सर धड़ से अलग करके बादशाह की खिदमत में पेश किया। बादशाह ने इस हैरत अंगेज बहादुरी और शुजात से खुश होकर शेर खान का लकब इनायत किया। अब आपको बता बादशाह ने इस शेर खान का लकब इनायत किया अब आपको बताते हैं कि शेर शाह का लकब इनको कैसे मिला। 1532 ईस्वी था 1539 ईस्वी की तवील जंग के बाद बिलाखिर शेर शाह सूरी ने हमायों को हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर कर दिया और हमायों तमाम खजाना और जवाहरात वगैरह लेकर लाहौर चला गया और 1540 ईस्वी से हिंदुस्तान का तख्त शेर शाह सूरी के लिए खाली कर गया। शेरशाह सूरी आगरा पहुंचकर तख्ते हुक्मरानी पर जलवा फरोज हुए और इसी दिन से शेर खान से शेर शाह हो गए। मिस्टर अल फनिस्टन ने अपनी तारीख में शेर